हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू आशीष क्लासेस पीसीएम पीसीबी। बच्चों, आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास ट्वेल्थ बायोलॉजी के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि प्रीवियस ईयर बोर्ड एग्जाम में पूछे गए और आने वाले बोर्ड एग्जाम्स के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये ऐसे क्वेश्चन है जो कि आपके बोर्ड एग्जाम में कई बार रिपीट हुए हैं, यानी ये रिपीट होते ही रहते हैं। तो इस लेक्चर को लास्ट तक जरूर देखिएगा क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आपके क्लास ट्वेल्थ बायो में बनने वाले हैं। तो चलिए लेक्चर को स्टार्ट कर देते हैं हम लोग। यहाँ पर अगर हम फर्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, राइट द डिफरेंस बिटवीन द एम्ब्रियो सैक एंड एंडोस्पर्म। ठीक है, ये PYQ क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर बोर्ड एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है और बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसको हम मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में रखेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे, डिफरेंस करेंगे तो एम्ब्रियो सैक और एंडोस्पर्म में दोनों में क्या डिफरेंस है बेसिक। तो डिफरेंस हम देख लेते हैं बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट है, लास्ट तक जरूर देखिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रखिएगा। तो चलो बच्चों, हम बात करते हैं, फर्स्ट पॉइंट की बात करते हैं, एम्ब्रियो सैक की बात करते हैं। तो इट इज़ अ फीमेल गैमेट टू फाइट, ये एक फीमेल गैमेटोफाइट है ऑफ एंजियोस्पर्म्स एंड इट डेवलप्स फ्रॉम फंक्शनल मेगास्पोर। ठीक है, अगर हम एम्ब्रियो सैक की बात करते हैं बच्चों, तो इट इज़ अ फीमेल गैमेटोफाइट, ये फीमेल गैमेटोफाइट है एंड एंजियोस्पर्म एंड इट डेवलप्स फ्रॉम द फंक्शनल मेगास्पोर। ठीक है, ये फंक्शनल मेगास्पोर से डेवलप होता है। दूसरा पॉइंट करेंगे, अगर हम बात करेंगे सेकंड पॉइंट जो इसका इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इट हाउसेस फीमेल गैमेट। ठीक है, इट हाउसेस फीमेल गैमेट। और जो थर्ड पॉइंट आता है बच्चों की, इट इज़ हैप्लॉइड स्ट्रक्चर। ठीक है, ये एक हैप्लॉइड स्ट्रक्चर है। जबकि हम एंडोस्पर्म की बात करेंगे तो एंडोस्पर्म में बात करेंगे तो इट इज़ न्यूट्रेटिव टिश्यू ऑफ सीड दैट डेवलप्स फ्रॉम प्राइमरी एंडोडर्म। ठीक है, तो अगर हम बात करेंगे एंडोस्पर्म की तो ये एक न्यूट्रिएटिव टिश्यू होता है, न्यूट्रिएटिव टिश्यू ऑफ द सीड, जो सीड होता है, सीड को न्यूट्रिशन देने वाला ये टिश्यू होता है, दैट डेवलप्स फ्रॉम प्राइमरी एंडोस्पर्म, जो कि प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस से फॉर्म होता है, फॉर्म एज द रिजल्ट ऑफ रिपल फ्यूजन। ठीक है, आगे हम बात करेंगे, नेक्स्ट पॉइंट हो जाएगा कि इट इज़ न्यूट्रेटिव इन नेचर, ये अपने नेचर में न्यूट्रेटिव होता है एंड प्रोवाइड न्यूट्रिशन टू द डेवलपिंग एम्ब्रियो। तो ये इसका काम होता है न्यूट्रिशन देना, ये न्यूट्रेटिव अपने नेचर में होता है, ये जो एम्ब्रियो डेवलपिंग एम्ब्रियो होता है उसको क्या करता है कि न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है, या फिर ड्यूरिंग सीड जर्मिनेशन, या जब सीड का जर्मिनेशन होता है तब उसको न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है। उसके बाद में हम क्वेश्चन नंबर सेकंड की ओर चलेंगे, डिफरेंस बिटवीन द पॉलिनेशन एंड फर्टिलाइजेशन। अच्छा, ये भी क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको भी बहुत ही ध्यान से समझिएगा। आई थिंक ये क्वेश्चन आप समझ गए होंगे। ठीक है, जो एंडोस्पर्म होता है वो न्यूट्रेटिव होता है, मतलब चाहे सीड फॉर्मेशन हो, है ना, अगर हम बात करते हैं सीड का जर्मिनेशन हो, तो सीड को कहीं कहीं ना कहीं न्यूट्रिशन देने का वर्क करता है। ठीक है, एम्ब्रियो सैक के बारे में हम समझ गए कि ये एक फीमेल गैमेट होता है, एंजियोस्पर्म्स एंड इट डेवलप्स फ्रॉम द फंक्शनल मेगास्पोर। ठीक है, आगे हम बात करेंगे बच्चों, जैसे पॉलिनेशन और फर्टिलाइजेशन में डिफरेंस क्या है, तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फर्टिलाइजेशन एंड पॉलिनेशन। सो डिफरेंस देखेंगे बच्चों, सबसे पहले अगर हम बात करेंगे, ट्रांसफ़र ऑफ पॉलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा। पॉलिनेशन में क्या होता है कि जो पॉलन ग्रेन होते हैं बच्चों, वो क्या होते हैं कि एंथर से स्टिग्मा पर जाते हैं, और ये प्रोसेस पॉलिनेशन होती है, ये फ्लावर में होती है। ठीक है, आगे हम बात करेंगे, इट लीड्स टू पॉलन पिस्टिल इंट्रैक्शन एंड इट इज़ अ प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट। ठीक है, अगर हम बात करेंगे पॉलिनेशन की तो इट लीड्स पॉलन पिस्टल। ठीक है, ये पॉलन पिस्टल को लीड करता है इंट्रैक्शन एंड इट इज अ प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट। ओके, उसके बाद में क्या होता है कि पॉलिनेशन हेल्प्ड बाय, अब पॉलिनेशन किसके थ्रू होता है, तो बच्चों वाटर के थ्रू होता है, विंड के थ्रू, इंसेक्ट के थ्रू, बर्ड्स के थ्रू, एनिमल्स के थ्रू। भाई पॉलिनेशन में भी मीडियम की नीड होती है, तो ये वाटर के थ्रू भी पॉलिनेशन होता है, विंड्स के थ्रू भी होता है, इंसेक्ट, बर्ड्स, एनिमल, इन सब के थ्रू पॉलिनेशन होता है, या फिर हम कह सकते हैं ये सारी चीज़ें क्या होता है पॉलिनेशन में हेल्प करती हैं। ठीक है, उसके बाद हम फर्टिलाइजेशन की बात करेंगे बच्चों, तो फर्टिलाइजेशन होता है क्या है, द फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट इज नोन एज फर्टिलाइजेशन। मेल और फीमेल गैमेट का फ्यूजन होना या मिलना ही फर्टिलाइजेशन कहलाता है। एज अ रिजल्ट की बात करें, फर्टिलाइजेशन
एज अ रिजल्ट ऑफ फर्टिलाइजेशन जाइगोट इज फॉर्म, यानी फर्टिलाइजेशन की जो प्रोसेस होती है बच्चों, उस प्रोसेस में क्या हो बनता है हमारा जाइगोट, मतलब जब मेल और फीमेल, जैसे मेल का स्पर्म और फीमेल का ओवम जब दोनों आपस में मिलते हैं तो एक क्या बनता है, एक जाइगोट का फॉर्मेशन होता है, यानी एक जाइगोट बनता है। फॉर फर्टिलाइजेशन मेल गैमीट इज ट्रांसफर्ड बाय द पॉलन ट्यूब, ठीक है। इसमें फर्टिलाइजेशन में क्या होता है, मेल गैमेट जो होता है वो पॉलन ट्यूब की थ्रू ट्रांसफर किया जाता है, ओके। तो दोनों क्वेश्चन बच्चों बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये डिफरेंस आप नोट कर लीजिएगा, है ना, और इनको आप थोड़ा ध्यान से पढ़ लीजिएगा, क्योंकि ये आपके बोर्ड एग्ज़ाम में बहुत ही बार पूछे गए हैं और आने वाले बोर्ड एग्ज़ाम्स के लिए तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इन क्वेश्चन को नोट कर लीजिएगा, अच्छे से समझ लीजिएगा, एक दो बार लेक्चर देखिएगा, चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। और उसके बाद अगर चैनल पे आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और बेल आइकन को प्रेस करके रखिए, जिससे हर एक नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँचे। बोर्ड एग्ज़ाम आपके बहुत ही पास हैं, अब आपको क्या करना है, सिर्फ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सॉल्व करना है अच्छे से। आज के लिए इतना ही रखते हैं, थैंक यू फॉर दिस क्लास, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।